नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, बेंगलुरु की बेकरी में बनने वाला ब्रेड कैसे बनता है, एक ही ब्रेड से आप अलग अलग आइटम कैसे बना सकते हैं। आज हम आपको ढेर सारी अलग अलग जानकारी देंगे। आप लोग इस तरीके से घर पर या अपने दुकान के लिए ब्रेड, मीठे बन और मीठे क्रीम ब्रेड बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें बताए गए सभी आइटम को मैंने वजन के साथ बताया है और कितना टाइम लगता है पकने के लिए, वो सभी चीज़ें मैंने बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले शक्कर की ज़रूरत होती है। तो ये शक्कर है, शक्कर का यहाँ पर वज़न किया जा रहा है। 2 किलो शक्कर वज़न करके लिया जाता है। यहाँ पर शक्कर के साथ में ऐड किया जा रहा है मिल्क पाउडर, कितना है, 80 ग्राम मिल्क पाउडर। इसके साथ में ही बादाम पाउडर यहाँ पर 30 ग्राम ऐड कर रहे हैं। ये ब्रेड बनाने का प्रोफेशनल तरीका है और मैं यहाँ पर आज बेकरी के अंदर शूट कर रहा हूँ, अयंगर बेकरी, बेंगलुरु अयंगर बेकरी के अंदर, जो एकदम प्रोफेशनली तरीके से बनाते हैं और पूरा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो ये बादाम पाउडर भी यहाँ पर 30 ग्राम ऐड कर दिया। बादाम पाउडर के अलावा यहाँ पर वेनिला पाउडर ऐड कर रहे हैं, वो भी 30 ग्राम। और उसी के साथ में यहाँ पर ऐड हो रहा है बेकिंग पाउडर 20 ग्राम। इसके साथ ही यहाँ पर नमक ऐड किया जा रहा है, 80 ग्राम नमक। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इन सभी का वज़न आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये है दोस्तों मशीन, ब्रेड का पूरा मिश्रण तैयार करने की मशीन है। ये पूरा जो माल हमने लिया है वज़न करके, वो सब इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसके अंदर और भी अलग अलग आइटमें आएगी, वो भी मैं आपको पूरा वज़न के साथ बताऊँगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं दोस्तों 800 ग्राम तेल, 800 ग्राम ऑयल। अब यहाँ पर दोस्तों मैदा ऐड करेंगे, तो मैदा को वज़न करके लेंगे, 8 किलो मैदा लेना होता है। यहाँ पर वज़न करके लेंगे टोटल 8 kg फाइन फ्लोर। तो ये देखिए यहाँ पर मैदा इसके अंदर मिक्सर के अंदर ऐड कर दिया है। अब इस मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये सब आइटमें अच्छी तरीके से मिक्स होकर इसका डो लगेगा। अब यहाँ पर पानी ऐड किया जा रहा है दोस्तों, देखिए ये एक जग, इसके बाद में और एक जग आएगा, फिर आधा जग और, यानी कि 2 लीटर का ये एक जग है। तो इसके अंदर 2.5 जग ऐड करेंगे, ये टोटल 5 लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। अब मशीन को स्टार्ट कर दिया है और ये मशीन इसको धीरे धीरे पूरा इस डो को अच्छे से मिक्स करेगी, पूरा मिश्रण मिक्स होगा, फिर तैयार होगा हमारा ब्रेड बनाने का डो। अब यहाँ पर ब्रेड को फुलाने के लिए इसके अंदर ईस्ट ऐड किया जा रहा है, यह है ड्राई ईस्ट, 80 ग्राम इसके अंदर ड्राई ईस्ट ऐड किया जा रहा है। तो ये ईस्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा मैदा मिक्स कर दिया है और 8 किलो मैदा लिया है, तो उसके लिए 80 ग्राम ईस्ट लिया, यानी कि 1 किलो मैदा के लिए 10 ग्राम ईस्ट लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके फिर ऐड करेंगे। तो ये डो जो है दोस्तों, देखिए धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पूरा मिक्स होता जाएगा और इस मशीन के अंदर कम से कम 15 मिनट का समय लग जाता है इस डो को अच्छे से मिक्स होने के लिए। ये ब्रेड का डो है और इसको इस मशीन के द्वारा ही मिक्स किया जा सकता है। अब इसके अंदर ईस्ट ऐड किया जा रहा है, ईस्ट डाल दिया है। अब ये ऑटोमेटिक इसके अंदर धीरे 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 मिक्स होता जाएगा, फिर ये ब्रेड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेगा। अब दोस्तों ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो ट्रे होती है, ये स्पेशली ब्रेड बनाने के लिए आती है और इनके अंदर ब्रेड का जो बैटर, वो डो है, वो डाला जाएगा, फिर ब्रेड हमारी तैयार होगी। इसको भट्टे के अंदर रखा जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पर ट्रे हमने इसके अंदर पहले से डालडा घी लगा कर तैयार करके रखा है। अब ये फाइनल प्रोसेसिंग में है, डो धीरे धीरे देख सकते हैं साइड में चिपकना बंद हो गया है
और अभी ये तैयार होने वाला है। इसके अंदर ईस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है खिंचाव आ रहा है, यानी कि हमारा जो ब्रेड है वो फूलने के लिए एकदम रेडी है। तो फाइनली अभी ब्रेड के लिए डो तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टूटी फूटी, जो टूटी फूटी होती है वो इसके अंदर ऐड किया जा रहा है ताकि इसके अंदर स्वाद और इसके अंदर थोड़ी सी जो है कलरफुल दिखे। तो ये टूटी फूटी ऐड हो गई दोस्तों। अभी फिनिशिंग आ चुका है पूरा ब्रेड के लिए डो, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ऑयल डाल दिया गया है जिससे इसके अंदर चमक आएगी। अब यहाँ से इसको निकाला जाएगा और यहाँ से निकाल निकाल कर इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रख दिया है बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ से जो इसको अलग अलग भागों में कन्वर्ट करके ब्रेड के बॉक्स के अंदर डाला जाएगा। बनने दे वीडियो मत करा। अब दोस्तों ये देखिए इलेक्ट्रिक स्केल है। अब यहाँ पर इस मिश्रण के तीन अलग अलग आइटम बनेंगे, इसके अंदर मीठे बन भी बनेंगे, ब्रेड भी बनेंगे और क्रीम रोल भी बनेंगे। तो यहाँ पर वजन करके इन सभी के जो है इसे किए जा रहे हैं। कितने ग्राम का एक? 200। यहाँ पर परफेक्ट वजन करके लिया जाता है तभी वो उसके अनुरूप बनता है। 200 ग्राम का एक जो है बॉल लिया है, उसी हिसाब से सभी बॉल लिए जाएंगे और 200 ग्राम का एक बन तैयार होता है। ये यहाँ पर लगभग अलग अलग क्रीम बन बना दिया है जो बड़ा साइज का बनेगा। अब यहाँ पर इसी डो से छोटे छोटे स्वीट बन बनेंगे, छोटे छोटे जो होते हैं वो वाले, तो वो यहाँ पर अलग अलग भाग किए जा रहे हैं। 30 ग्राम का एक बन रहेगा ये। देखिए इतनी जगह रखी जाती है एक ट्रे के अंदर, क्योंकि ये जब वापस फूलेगा ना तो इसकी साइज जो है बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से रोटेट कर करके यहाँ पर रखा जाता है। रेगुलर काम करने वालों की जो हैबिट होती है वो एकदम शानदार होती है, रेगुलर बनाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जो है तीन आइटम एक ही डो से बनते हुए देख रहे हैं। अब दोस्तों बनेगा ब्रेड के लिए अलग अलग साइज करके लिया जाएगा। अब ये जितना भी पीछे आप डो देख रहे हैं इस पूरे डो का ब्रेड बनेगा। यहाँ पर इसको फिर से वजन करके लिया जाता है तभी वो माल परफेक्ट और एकदम सही साइज के अंदर बनता है। ब्रेड बनाने के लिए जो डो है उसका साइज होता है वो एक लोई 300 ग्राम की ली जाती है। देखिए 300 ग्राम वजन क्या है, तो इसी के अनुरूप पूरा ब्रेड का जो साइज बनाकर लिया जाएगा। और ये आप जो ट्रे देख रहे हैं इसके अंदर ब्रेड भरा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको जो है लंबा लंबा रोल करते हैं। ये देखिए इस तरीके से रोल करके, ये देखिए रोल कर दिया, इसको यहाँ पर इसके अंदर रखा जाता है। इसी तरीके से पूरे डब्बे जो है भर देंगे, फिर इनको अगले एक से दो घंटे के लिए रखेंगे। तो ये जो इसकी साइज जो है डबल होगी, डबल होने के बाद इसको भट्टी के अंदर रख के इसको फिर हीट किया जाएगा। और इसके ऊपर फिर से एक बॉक्स रख दिया है, इसको भी उसी तरीके से भरेंगे। उसके बाद में ब्रेड और बन उन सभी को बनाने के लिए भट्टी में रखा जाएगा। अब दोस्तों जो बड़े वाले क्रीम बन हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से दबा दबा कर इसको फैलाए जाएंगे, यानी कि इसकी जो साइज़ है वो इस तरीके से बड़ी बनेगी, जो पिज्ज़ा जो होता है उसकी साइज़ का ये बनेगा। तो इस तरीके से इसको पूरा बड़ा बड़ा करके यहाँ पर दबा दबा के प्रेस करके रखेंगे और अगले एक घंटे दो घंटे इसको पड़ा रखेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से फूल कर तैयार होगा। और ये जो ब्रेड है, ब्रेड का जो ऊपर ढक्कन लगा लगा कर इसको रखेंगे, ये भी दो घंटे बाद अच्छी तरीके से फूल कर तैयार होंगे, फिर इसको भट्टी के अंदर रखा जाएगा।
अब यहाँ पर जो छोटे वाले बन है उनको भी ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा प्रेस करके रखेंगे, ये भी अच्छी तरीके से फूल कर तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से जो है एक शाइनिंग आएगी। तो यहाँ पर सभी को जो है रेडी करके रख दिया है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर जो है हमारा जो ब्रेड है, देखिए छोटे वाले जो बन है वो भी फूल कर एकदम अच्छी तरीके से फूल गए, तैयार हो चुके हैं। और ये क्रीम बन है ये भी बड़े एकदम अच्छे आकार में जो है फूल गए हैं। अब इनको जो है भट्टी के अंदर पकने के लिए रखेंगे और ये पकने के बाद यहाँ पर जो ब्रेड है वो तैयार करेंगे। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये भट्टी होती है और इस भट्टी के अंदर ये सब चीज़ों को पकने के लिए रखा जाता है। ये टोटल 12 ट्रे थी और 12 की 12 ट्रे इसके अंदर आ गई है। तो आप देखिए अंदर रख दिया है पकने के लिए और इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर देखिए इसका सिस्टम है, इसको इतना जो है 180 डिग्री और नीचे का जो हीटर है इसको भी 180-170 के करीब हीट रखना पड़ता है। ये गैस के ऊपर चलती है और ये बहुत ही बड़ी भट्टी है। अगले 10-15 मिनट के अंदर हमारे जो बन है वो पककर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में ये जो ब्रेड है वो पकने के लिए हम रखेंगे। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुका है और जो हमारे मीठे ब्रेड है, मीठे बन है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार तरीके से पककर तैयार। ये देखिए और ये आ गया बड़ा वाला क्रीम बन। तो इस तरीके से बनता है बहुत ही शानदार। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो पूरे पके हुए को बाहर निकाल कर रखते हैं यहाँ पर। और अब दोस्तों आएगी बन जो ब्रेड है, ब्रेड को पकाने की बारी। तो आप देख सकते हैं ब्रेड जो है जब इसको अंदर रखा था तो उसकी साइज़ कितनी थी और अब देखिए 2 घंटे बाद इसको फूल कर इतने मोटे मोटे साइज के हो चुके हैं और अब हम इनको पकाने के लिए भट्टी के अंदर रखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर ब्रेड को अंदर रखा जा रहा है भट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। देखिए तो देखिए यहाँ पर सभी को अंदर रख दिया है और 20 मिनट का समय ब्रेड को पकने के अंदर लगेगा। तो 20 मिनट बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी भट्टी हम ओपन करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेड है वो पक चुका है। तो अभी हम बाहर निकालते हैं, पूरा 20 मिनट इसको पकने में लग गया। ये देखिए, ये देखिए अच्छी तरीके से पक गया है ऊपर से नीचे से पूरा एकदम बढ़िया राउंडेड। तो अभी इन सभी को हम बाहर निकालते हैं। तो अभी ब्रेड को यहाँ पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खाली करके सब ब्रेड एक जैसे पके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेड को पकाया गया है। तो ये होता है दोस्तों बेकरी में ब्रेड बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका। अब इन सबको सीधा किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं हमारे क्रीम ब्रेड, क्रीम बन और ये आ गए हैं मीठे बन। तो आपको फाइनली वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऐसी और नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। बेकरी से रिलेटेड और नई नई वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। अब ये ब्रेड जो है ठंडा होने के बाद इसको कट किया जाएगा। गर्म गर्म ब्रेड को कट नहीं करते हैं और बाद में इसको पैक भी किया जाएगा। तो आपको ये ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।